बिग बॉस के इस ओटीटी वाले वर्जन में प्रतीक सहजपाल बड़ा नाम कमा रहा है। प्रतीक सहजपाल वो कंटेंडर है जो कि स्टार्टिंग से डे वन से लेकर अब तक चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है। अब ऐसे में आप सभी दर्शकों को प्रतीक की दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि बिग बॉस सीजन 14 की ये हॉट कंटेंडर जो कि फाइनलिस्ट भी बनी है और सबसे ज्यादा पास है ये कहीं ना कहीं अगर ऑडियंस के बात की जाए तो ये उतर पड़ी है सपोर्ट में। आइए कौन है वो, क्या कहती हैं वो, तो इस वीडियो में सारी बातें। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, वहां पर मुझे फॉलो करें। बात करते हैं दोस्तों अब प्रतीक सहजपाल की, जिसने कि घर में आते ही एक अलग तरीके से अपनी जगह बनाई। दोस्तों आज प्रतीक 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 चारों तरफ है और ऐसे में आप लोगों को बता दूं तो बिग बॉस की ये हॉट कंटेंडर यानी सीजन 14 की जो कि खतरों के खिलाड़ी में हमें दिख रही हैं आजकल, यानी कि निक्की तंबोली उतर पड़ी हैं सपोर्ट में। बताना चाहता हूं दोस्तों, तो निक्की तंबोली ने कुछ ट्वीट किया है और वो कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग प्रतीक को एरोगेंट क्यों कहते हैं। गाइज इट्स क्लियर हु इज मोर एरोगेंट, ओपन योर आईज, निक्की ऐसे बोलती ना गाइज। So, दोस्तों निक्की तंबोली ने साफ बोल दिया है कि भाई जो लोगों को लगता है कि प्रतीक सहजपाल जो है वो एरोगेंट है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रतीक बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है और जो एरोगेंट है वो साफ दिख रहा है। तो गाइस ओपन योर आईज, यानी कि अपनी आंखें खोलो और देखो चारों तरफ कि कौन है एरोगेंट। निक्की ने किसकी तरफ इशारा किया होगा ये बताइए, कमेंट सेक्शन में जाओ मुझे बताओ इस बारे में कि निक्की आखिरकार किसके बारे में बात कर रही है। ऐसे सारी बातें, बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूस और मुझे इजाजत दो, बाय बाय।